दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू हेलो करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक यूनिक वीडियो लेके आया हूँ। चूंकि इस समय हर चैनल के अंदर एक चीज चल रहा है, शेयर मार्केट में भी एक ही चीज सुनने को मिल रही है, IRCTC, RBNL, IRFC एंड इरकॉन इंटरनेशनल। ठीक है, वापस से ये चीज देखने को मिल रही है कि शेयर प्राइस में एक अच्छा मोमेंटम आ गया है। ठीक है, अब जैसे ही ये मोमेंटम आएगा, कुछ लोग क्या करेंगे, शेयर्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद शेयर्स क्या किया जाएगा, शेयर्स नीचे डाल दिया जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे। अब वो शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, एक साल तक के लिए किस फेज में रहेगा, डाउन साइड फेज में रहेगा। फिर क्या करेंगे, वीडियो ढूंढेंगे किसी तरीके से कि कोई ये बता दे कि शेयर में करना क्या है। तो आप इस तरीके से शेयर मार्केट में रिटेलर्स को हमेशा क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। क्योंकि रिटेलर्स क्या करता है, जब कोई शेयर प्राइस एक स्ट्रगल फेज में होता है, वहां पर वो बेचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यही लॉजिक है, यही एक जाल होता है जो फेंका जाता है रिटेलर्स के सामने। और 99 टाइम्स ऐसा होता है कि रिटेलर्स पैक ही हो जाता है। पहली कंपनी है IRCTC, 2020 और 21 में कंपनी ने बहुत अच्छा इन्वेस्टर्स को रुपए बनाते हुए दिखा भी है। परंतु 2022 इस कंपनी के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा। 718 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। ठीक है, वहीं मार्केट कैप देखें, 57,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 718 है, 920 का वहीं हाई लगाया। स्टॉक के प्राइस अर्निंग पीई रेशियो की बात करें तो 64 के पीई रेशियो पर ये ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। परंतु फ्रेंड्स, यही पीई को ही करेक्ट करवाना होता है। ये कैसे करेक्ट होगा, टाइम वाइज के हिसाब से ही करेक्ट हो चुका होगा। बुक वैल्यू की बात करें तो 28 रुपये शेयर की बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात करें, 0.49% का डिविडेंड यील्ड है। कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 51.3% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 39.9% है। कंपनी के अंदर मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं, प्लस जो इनकी इक्विटी है उससे रिटर्न भी बहुत अच्छा मिल रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपए है। ये एक ऐसा काउंटर है, सेफ बेट है। अभी इसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है। जैसे ही शेयर प्राइस करेक्ट होता है, आप इन शेयरों में, कुछ शेयरों में वॉच लिस्ट में वॉच करके देख सकते हैं डायरेक्टली। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी शेयर में डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहिए, उसको वॉच करना चाहिए, प्लस मॉनिटर करते रहना चाहिए शेयर को। RBNL की बात करें, नेक्स्ट कंपनी RBNL, इसने भी बड़ा अच्छा रिटर्न लोगों को बना के दिया, 80-90% है। ये रिटर्न किसको मिला, ये रिटर्न केवल उन लोगों को मिला जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड थे। उन इन्वेस्टर्स से आप जाके बात करना, RBNL वालों से। जब ये शेयर प्राइस 20 से 25 रुपए की रेंज में टहल रहा था, तो वो इन्वेस्टर, कुछ ऐसे इन्वेस्टर थे, बिल्कुल जिद्दी इन्वेस्टर मैं उन्हें कहूंगा। और शेयर मार्केट के लिए ऐसे ही जिद्दी इन्वेस्टर की जरूरत होती है कि टिके रहे टिके रहे। आज उनको ये शेयर रिवॉर्ड कर रहा है। हर शेयर फ्रेंड्स मार्केट में रिवॉर्ड करता है, एक समय आता है हर शेयर का पास। तो बस आज इसका समय चल रहा है। अब क्या होगा, कुछ जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस शेयर को पकड़ने की कोशिश करेंगे और शेयर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मेरा हमेशा से यही कहना होता है, शेयर मार्केट में आपको हमेशा एक या दो दो ढाई शेयरों से शुरुआत कीजिए। ठीक है, इंडियन मार्केट में 2.5 शेयर नहीं मिलेंगे आपको, 2 या 4 शेयर से शुरुआत कीजिए, ट्रैक कीजिए। जैसे जैसे शेयर प्राइस ऊपर जाए, करेक्ट हो, उसको फिर ऐड करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि आप, ताकि ट्रैप ना हो मार्केट में। अगर आप मार्केट में खड़े रहेंगे तो बने रहेंगे, अगर मार्केट से बाहर ही हो जाएंगे तो फिर दिक्कत है मार्केट में वापस आना। ठीक है, करंट प्राइस की बात करें तो 63 रुपये 20 पैसे देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर को, अब चूंकि RBNL इतना ज्यादा रिटर्न दे चुका है, IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल, तो ये जो इतना ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं, तो क्या कंटिन्यूअसली भागते रहेंगे? फ्रेंड्स, कोई भी शेयर वन साइडेड डायरेक्शन में नहीं भागता है। अगर ऐसा होता तो शेयर मार्केट में हर इंसान करोड़पति होता। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से बहुत ज्यादा अब संभालने की जरूरत है। यहाँ पर इकट्ठे बहुत ज्यादा क्वांटिटी मत उठाइएगा। स्टॉक के पीई की बात करें, 9 रुपए 76 पैसे का पीई चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें, 33 रुपए 60 पैसे है। डिविडेंड यील्ड की बात करें, 2.90% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.7%। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए। वहीं अगर IRFC शेयर की बात करें, 27 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। इस कंपनी के ऊपर एक चीज बहुत खराब है, जो कि है OFS। गवर्नमेंट अगर OFS लेके आएगी तो ऑलमोस्ट वो अपना 50-60% डिस्काउंट, करीब करीब 20-30% डिस्काउंट ही देखने को मिलेगा। किस चीज पे, उसके करंट शेयर प्राइस पे। चूंकि गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर किया है, हाल फिलहाल में उनका कोई प्लान नहीं है IRFC का OFS लाना। इसकी वजह से हो सकता है इनको सेबी की तरफ से परमिशन मिल जाए कि आप डिले कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनियां हैं और गवर्नमेंट का प्लान भी यही है कि शेयर मार्केट से वैल्यू को क्रिएट करना, वैल्यू को निकाल के बाहर लाना। जो ये PSU काउंटर थे जो पिछले 10 से 15 सालों में घुन गए थे नीचे की तरफ से। ठीक है, मार्केट कैप की बात करें IRFC की, तो 35,938 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें, 27 रुपए 50 पैसे, हाई इसने 28 रुपए 70 पैसे का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करें, 5 रुपए 56 पैसे का ये स्टॉक का पीई है। बुक वैल्यू की बात करें, अभी भी कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है।
तो 33 रुपए तक तो आराम से इसमें भाई बनना ही बनना है आने वाले समय में, कोई नहीं रोक सकता, बस टाइम लगेगा, बस टाइम देखना है कि कब आएगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखना, जब तक कोई भी शेयर प्राइस अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करता है या बराबर ट्रेड करता है, वो उस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सही होता है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 5.09% का है, दैट मीन्स कि आपको फिक्स्ड डिपॉजिट कितना तो डिविडेंड ही मिल जाता है इस कंपनी से, तो कोई डरने वाली बात है नहीं, बिल्कुल सेफ बेट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, 5.11% का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 15.8% की। और वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए आने वाले समय में आपको यहाँ से स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है या बोनस। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करेंगे, नेक्स्ट काउंटर आने वाले जो एक लास्ट के जो एक साल था, पिछले एक साल से 1.5 साल से इरकॉन इंटरनेशनल वाले बहुत परेशान थे, ठीक है, कि क्या होगा क्या होगा। अब ये कंपनी इनको रिवॉर्ड दे रही है, रिवॉर्ड ऐसा दिया कि अब उनके पोर्टफोलियो में ये शेयर जिनके भी पोर्टफोलियो में था, करीब करीब 18 से 20% ऊपर उनको गेन देखने को मिल रहा है। फाइनली उनका हैप्पी पोर्टफोलियो बना। मार्केट कैप की बात करेंगे, 5,469 करोड़ का। करेंट प्राइस 58.2 रुपीज का करेंट प्राइस इसका चल रहा है। स्टॉक के प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करेंगे, 7.86 रुपए। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 52.50 रुपए। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे, 4.30%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, 14% एंड 30% रेस्पेक्टिवली। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 2 रुपए चल रही है। इसी के साथ साथ मैं एक शेयर की और चर्चा करूंगा यहाँ से, जो कि थंबनेल में नहीं था, टीटागढ़ वेकन्स लिमिटेड। इस शेयर पर भी अपनी नज़र होनी चाहिए, वो क्यों होनी चाहिए, चलिए बात करते हैं। चूंकि सभी को पता है IRCTC, RBNL, इरकॉन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC का मर्जर प्लान चल रहा है। जैसे ही मर्जर होगा, प्लस इसके साथ साथ और भी पता चलेगा कि जो रेलवे की पटरियां हैं उन पर भी काम चल रहा है। अब जो मैक्सिमम टेंडर होंगे वो इंडियन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को, दैट मीन्स कि इंडियन कंपनी को ही दिए जाएंगे मैक्सिमम टेंडर इसके, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फायदा इन सारी कंपनियों को होगा, यही एक रीजन था IRCTC, RBNL, IRFC एंड इरकॉन इंटरनेशनल में मोमेंटम बना हुआ है। तो आने वाले कुछ कुछ सेशंस में भी कंटिन्यूअसली इसका मोमेंटम बना रहेगा। हालांकि जिन लोगों के पास, जिन बड़े बड़े लोगों के पास ये शेयर नहीं है, वो इस शेयर को जरूर गिराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रिटेलर इस चीज से भी संभाल लेगा। एज ए इन्वेस्टर आपको केवल ये देखना है, अगर अच्छा शेयर लगता है तो उसमें पकड़ के बने रहें, कोई आपको हिला ना पाए शेयर मार्केट के अंदर। टेटागढ़ वेकेंस मैंने क्यों लिया, क्योंकि तो अगर पटरियां ठीक होंगी तो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत जो रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है और जो वेगन्स बनाने का काम है, वो मैक्सिमम इसी कंपनी को मिलता है। तो जब नई पटरियां आएंगी, नया भारत बनेगा, तो उसके लिए वेगन्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पटरियों पर ट्रेन ही दौड़ेंगी और ट्रेन केवल पहियों से नहीं दौड़ेंगी, वेगन्स से दौड़ेंगी। तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा इस कंपनी को भी हो सकता है। आपकी नज़र इस कंपनी पर भी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। मार्केट कैप देखिए 2,033 करोड़ का है, बहुत छोटा सा मार्केट कैप है इस कंपनी का। करंट प्राइस की देखें तो 170 करोड़ का है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं अगर 52 वीक्स हाई की देखें तो ऑलमोस्ट ये अपने 52 वीक्स हाई पर ही ट्रेड करने वाला है, ठीक है। अगर वहीं स्टॉक के पीई की बात करें, 52.70 रुपए का पीई है। बुक वैल्यू की बात करें तो 73.8 है बुक, कंपनी की बुक वैल्यू 73.8 रुपीज है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, ये थोड़ा कंपनी के अंदर एक बैकड्रॉप है, ठीक है। जितनी भी अच्छी कंपनियां होती हैं वो सारी कंपनियां पिछले जो भी, एक चीज और बताऊंगा मैं आपको यहाँ से, कि एक अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करने की एक रीजन ये भी होता है कि कंपनी ने पिछले 5 साल से डिविडेंड लगातार दिया हो, ठीक है। इसी के साथ साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की चर्चा करेंगे, 7.69% रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो वो निगेटिव है, यहाँ से भी थोड़ा सा बैकड्रॉप है इस कंपनी के अंदर। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 2 रुपए फेस वैल्यू है। इस वजह से आपको इन शेयर्स पे सावधान रहने की जरूरत है। नए इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं तो उनको अभी आने से अच्छा होगा, मैं तो यही कहूंगा कि उन लोगों को ज्यादा क्वांटिटी में ना आए, थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर के आए अंदर। प्लस मैक्सिमम तो यही होगा कि आप शेयर को अब वॉच करें कि शेयर मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, जैसे ही थमता है ये चीजें तो वहां से पोजिशन लेने की कोशिश करें। अल्टीमेटली आप एक या दो शेयर से शुरुआत करें, तब आपको शेयर मार्केट में अल्टीमेटली सीखने को मिलेगा कि कैसा होता है मार्केट, क्योंकि अगर आप ट्रैप नहीं हुए शेयर मार्केट के अंदर तो एक मोटा पैसा बना लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब।